हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी सीए में इंटरमीडिएट फाइनल का एग्ज़ाम देने वाले जून 2024 में, तो जो पेपर पैटर्न आया है उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आईसीएमई ने आपके पेपर पैटर्न में चेंज कर दिया है। कैसे आपका आईसीएमई पेपर लेगी, कितने सेक्शन में आपका पेपर होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, आपको सीए रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल देगा। देखिए, पेपर पैटर्न डिपेंड करता है एमक्यूपी पर। जैसा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है वैसे ही आपके पेपर पैटर्न आता है। देखो, अब कैसे पेपर आने वाला है, आपके दो सेशन में पेपर आएगा। कोई सा भी पेपर देख लो, दो सेशन में आने वाला है। ये तो सेक्शन नंबर 1 एमसीक्यू बेसिस से होगा, जो जिसका वेट होगा 30 नंबर का, ठीक है। ये एमसीक्यू आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो सेक्शन नंबर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको जो 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको 7 क्वेश्चन देंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जो सेक्शन ए है उसमें आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा ही पेपर पैटर्न आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए एमसीक्यू वाला होगा, सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव वाला होगा, जिसमें 7 से में से कोई भी आप 5 कंप्लीट कर सकते हो। इसमें क्या आपके पास होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। आप एमक्यूपी डाउनलोड नहीं करें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो फाउंडेशन का एमक्यूपी भी आईसीएमएआई रिलीज करेगा कुछ ही दिन में। जैसे रिलीज करता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फाइनल का भी ऐसे ही पेपर पैटर्न होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी के रूप में। सेक्शन ए वही एमसीक्यू वाला होगा, सेक्शन बी होने वाला है वही आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। इसमें भी कोई से 5 क्वेश्चन करने, 7 में से हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का होने वाला है। एमसीक्यू हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। बाकी ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपको सीएमए रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारा चैनल दे देगा। एक छोटी सी मैं अपडेट और दे देता हूँ आपको। देखो, ये बोनस अपडेट है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किया, पेंडेंट डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किया, तो आज लास्ट डेट है 15 जून, कर दो। आईसीएमए आपका एडमिट कार्ड रोक लेगी नहीं तो, ठीक है। बाकी आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।